क्या था पूरा मामला? अभी रात को मेरे भाई के ऊपर जो है ना गाड़ी से 3 बार चढ़ाने की कोशिश की गई है, उसकी रिपोर्ट पुरानी चांदनी थाने में की है, कुछ मुलजिम पकड़े गए हैं और मुलजिमों से पूछताछ के बाद ये क्या कारण है उसकी जानने की कोशिश के लिए मैंने आग्रह किया है पुलिस को भी, परिणाम आ जाए उसके बाद मैं कोई बात कहूँ। क्या कारण था भाई साहब, क्यों उन लोग हमला किया? ये कोई कारण स्पष्ट हो नहीं पा रहा है, उन लोगों से कोई हमारी दुश्मनी तो है नहीं, कौन इसके पीछे है वो कारण जानना चाहते हैं। क्या उनकी कोई गिरफ्तारी हुई या सीसीटीवी फुटेज? नहीं, सीसीटीवी फुटेज है उनका, सीसीटीवी फुटेज है, सब है, सब वो पुलिस को उपलब्ध कराए गए। कल आप देर रात को मीटर में शहर की विद्युत व्यवस्था को लेकर सभी विधानसभाओं में, शहर की विद्युत व्यवस्था लोगों से उपभोक्ताओं से ये पूछा, ये मेरा कर्तव्य दायित्व तो है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की मंशा है, तो मैं गया उपभोक्ताओं से मिला, कई जगहों पे लोगों ने बहुत संतोषजनक जवाब दिया है, कई जगहों पे प्रॉब्लम आई हैं उनको हल करने का निर्देश मेरे द्वारा एमपीवी को दिया गया है। ये कल रात की घटना है, थाना पुरानी छावनी के पास में अटल द्वार के पास में स्थित एक ढाबे के पास में कुछ रात को कुछ लोग आए और वो शराब पी के वहाँ पर उधम मचाने लगे। जब होटल के स्टाफ के द्वारा उनको रोका गया तो उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की और उसके बाद में वो 2 गाड़ियों से थे, संख्या में 6 थे और एक गाड़ी लेके उन्होंने होटल के कर्मचारियों के को चलने का प्रयास किया। उनके द्वारा जब पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँची और 6 में से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक आरोपी एक गाड़ी लेके फरार हो गया है। ये 5 लोग मुरैना के बताए जा रहे हैं और अभी इनके आपराधिक रिकॉर्ड सर्च किए जा रहे हैं। हमलावर रात में जिस तरीके से पुलिस को पहले प्राथमिक रूप से दिखाई दिया कि वो नशे में थे और कोई बर्थडे पार्टी मनाने आए थे और उस उन्मत्तता की हालत में या फिर जो इंटेंशन है उसके बारे में भी जाँच पड़ताल कर लेगी पुलिस। एक सीसीटीवी फुटेज आया है और विवेचक के पास उसे उपलब्ध है।